बिहार में काबा, इस सवाल का जवाब तो अब हर दूसरे शख्स के पास है, लेकिन बिहार में के केकरा साथे बा, इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं। क्योंकि हर दिन एक दल एक धरे से अलग हो रहा है, हर दिन नए गठबंधन बन रहे हैं, हर दिन मुख्यमंत्री बनने के नए दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में इन सभी दावों और इन सभी खबरों का पूरा ब्यौरा लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। एनडीए से अलग लेकिन बीजेपी के साथ रहकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके चिराग पासवान ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक भावुक पत्र अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। चिराग ने इस पत्र में लिखा है कि उन्होंने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने की घोषणा बिहार पर राज नहीं बल्कि नाज करने के लिए किया है। उन्होंने लिखा कि बिहार में आने वाली सरकार भाजपा के नेतृत्व वाली भाजपा लोजपा की सरकार होगी। पत्र में नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए चिराग ने लिखा कि जेडीयू के प्रत्याशी को दिया गया एक भी वोट कलाप के बच्चे को पलायन करने पर मजबूर करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी की राह आसान नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसे में जेडीयू के खिलाफ चिराग के ताल ठोकने से बीजेपी को भले ही सीधे तौर पर नुकसान न दिख रहा हो, लेकिन एनडीए के लिए यह चिंता का सबब बन सकता है। क्योंकि बीजेपी और जेडीयू इस चुनावी मैदान में साथ नजर आएंगे, ऐसे में उम्मीद थी कि दोनों ही पार्टियां एक मंच पर आकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगी, साथ ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बारे में बताएंगी। लेकिन इसके ठीक उलट जेडीयू ने आज बीजेपी के बिना ही पहले चरण के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पहले चरण के लिए जिन उम्मीदवारों की घोषणा जेडीयू ने की है, उनमें से कुछ प्रमुख उम्मीदवारों पर एक नजर डालते हैं। जेडीयू ने सूर्यागढ़ से रामानंद मंडल को टिकट दिया है, वहीं बरबीघा से सुदर्शन को, मोकामा से राजीव लोचन को टिकट दिया गया है, वहीं मसौढ़ी से नूतन पासवान को और नवादा से कौशल यादव को। पहले चरण में 16 जिले के 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। पिछले चुनाव की बात करूं तो पिछले चुनाव में महागठबंधन ने इन सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया था। आरजेडी को जहां उस चुनाव में 25 सीटें मिली थी, वहीं जेडीयू को 21, कांग्रेस को 8 और बीजेपी को 14। 28 अक्टूबर को होने जा रहे पहले चरण के मतदान के लिए आरजेडी ने आज अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आरजेडी ने करीब 23-24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, लेकिन दो सीटों पर उतारे गए उम्मीदवार की खास चर्चा रही। आज नवादा सीट से जहां आरजेडी ने राजबल्लभ यादव की पत्नी को टिकट दिया, वहीं संदेश विधानसभा सीट से अरुण यादव की पत्नी को। राजबल्लभ और अरुण यादव दोनों ही रेप के आरोपी हैं। राजबल्लभ जहां इस मामले में जेल की सजा काट रहे हैं, वहीं अरुण यादव सजा की डर से फरार हैं। अब रेप के आरोपियों की पत्नी को टिकट देने वाले ये लोग आखिर किस मुंह से हाथरस की पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए एक मिनट के मौन का दिखावा कर रहे थे, ये आप खुद सोचिए। हाथरस मामले में बिहार महागठबंधन के दो घटक दल यानी आरजेडी और कांग्रेस जो प्रमुख घटक दल हैं, उन्होंने एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वहीं दूसरी ही तरफ आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या मामले में अब आरजेडी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में जहां तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, वहीं दूसरी ही तरफ इस मामले में अब राज्य की सियासत तेज हो गई है। शक्ति मलिक महादलित समाज से हैं। उनकी हत्या के बाद उनकी पत्नी ने इस मामले में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य कुछ नेताओं को आरोपी बताया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है, जिसके बाद अब जेडीयू आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए दिखाई दे रही है। अब जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का कहना है कि इस घटना के सामने आने के बाद आरजेडी का दलितों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, यह साफ पता चल जाता है, जिससे अब साफ लग रहा है कि इस घटना के बाद आरजेडी का दलित राजनीतिक समीकरण जो है वो बिगड़ सकता है। अब महागठबंधन और एनडीए के खेमों की खबरों के बाद बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। बीते दिनों आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी की बगावत को आपने देखा ही था। मुकेश सहनी इस बात से नाराज थे कि उन्हें पर्याप्त सीटें नहीं ऑफर की गई, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और जीएमएम को आरजेडी अपने कोटे से सीटें ऑफर करेगी। अब इससे नाराज होकर मुकेश सहनी ने तो अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन जेएमएम भी सीट फॉर्मूले से कुछ ज्यादा खुश नहीं नजर आ रही। जेएमएम का कहना है कि जब झारखंड विधानसभा में चुनाव था तो उन्होंने आरजेडी को छोटे भाई का दर्जा दिया था और 7 विधानसभा सीटें ऑफर की थी।
लेकिन आज जब बिहार में चुनाव है तो आरजेडी जेएमएम के साथ छोटे भाई वाला व्यवहार नहीं कर रही है। सूत्रों की माने तो जेएमएम ने आरजेडी से 12 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन आरजेडी केवल 3 सीटें देने को तैयार है। वहीं मुकेश सहनी से भी जुड़ी हुई एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि मुकेश सहनी आज दिल्ली पहुंचे थे और यहां उनकी मुलाकात बीजेपी के नेताओं से हुई है। माना जा रहा है कि बीजेपी में मुकेश सहनी शामिल हो सकते हैं और आगे आने वाले दिनों में बीजेपी जहां अपने कोटे से मुकेश सहनी को सीट ऑफर करेगी, वहीं जेडीयू अपने कोटे से हम पार्टी को। बिहार चुनाव को लेकर आज जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस आज देर रात पटना पहुंच सकते हैं। इसके बाद वह यहां पर बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे। माना जा रहा है कि कल बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर सीट फॉर्मूले की भी घोषणा कर सकती है। अब बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों पर लगाएंगे यही विराम और चलेंगे अपने चुनाव चिरैया के पास। बिहार चुनाव में एनडीए के बदले स्वरूप पर चुटकी लेते हुए कुमार विश्वास ने एक दिलचस्प ट्वीट किया है। कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, बीजेपी और जेडीयू मिलकर लड़ेंगे, एलजेपी और बीजेपी मिलकर लड़ेंगे, लेकिन एलजेपी जेडीयू के खिलाफ लड़ेगी, लेकिन एलजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ेगी। हालांकि चुनाव में एलजेपी जेडीयू के खिलाफ लड़ेगी, पर केंद्र में जेडीयू व बीजेपी के साथ रहेगी। एलजेपी चुनाव बाद बीजेपी और जेडीयू या किसी के भी साथ सरकार बनाएगी। कुछ आया समझ? तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। शुक्रिया।